हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं स्टार्टअप अड्डा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलॉन मस्क की कंपनीज के बारे में। इलॉन मस्क, जिनको हम एक रियल वर्ल्ड का आयरन मैन बोलते हैं, जिनकी इनोवेशंस, थिंकिंग और उनके प्रोजेक्ट्स की पूरी दुनिया दीवानी है, एक बियॉन्ड द लेवल की वो फ्यूचरिस्टिक इंसान है। आज हम उन्हीं की कंपनीज और प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मस्क हर कैटेगरी के अंदर घुसकर इनोवेशन करके उसको एक अलग ही लेवल का बना देते हैं। मस्क अभी ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, AI और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो एक एक करके हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है टेस्ला। जैसा कि हम जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड रिसोर्स हैं, ये एक ना एक दिन खत्म होने ही है। हमारे व्हीकल्स जो फ्यूल्स पर ही चलते हैं, तो हमें इसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना होगा, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। टेस्ला की बात करें, टेस्ला अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है और इनकी कार्स में हमको ऑटोमेटेड कार मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे कार आप खुद ब खुद आपको आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देती है। टेस्ला की शुरुआत 2003 में हुई थी और उसके 5 साल बाद 2008 में उनकी पहली कार रोडस्टर लॉन्च हुई थी, जो कि स्पोर्ट्स कार थी। एक बार चार्ज होने के बाद वो 250 माइल्स तक ट्रेवल कर सकती थी। उसके बाद उनकी मॉडल SI, मॉडल XI, फिर 2016 में उनकी मॉडल 3 लॉन्च हुई, फिर मोस्ट कंफर्टेबल ट्रक टेस्ला सेमी आया मॉडल Y और उनका एक यूनिक डिजाइन वाला साइबर ट्रक जो इस साल लॉन्च हुआ था। टेस्ला सभी तरह की कैटेगरीज को मैन्युफैक्चर करती है, चाहे वो SUV, सेडान, रेसिंग कार, ट्रक्स, जिसमें करंटली मॉडल 3 वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल बनी हुई है। टेस्ला की खासियत है कि वो एक अफोर्डेबल, कंफर्टेबल, हाई स्पीड ऑटोमेटेड डिजाइंड कार्स बनाती है। इसी महीने टेस्ला US की 6th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई थी। टेस्ला न केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है बल्कि बैटरी प्रोडक्ट्स भी बनाती है। मस्क की अगली कंपनी है सोलर सिटी, जो कि टेस्ला की सब्सिडरी है। एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हम फॉसिल फ्यूल्स या न्यूक्लियर रिएक्टर को यूज करते हैं, जो कि काफी कॉस्टली है और जिससे एनवायरमेंट को भी काफी नुकसान होता है। सोलर एनर्जी एक इकोनॉमिक एनवायरमेंटल फ्री कंसेप्ट है। मस्क ने ये कंसेप्ट अपने कजन्स को ऑफर किया था 2004 में। कंपनी ग्रो भी कर रही थी, प्रॉफिटेबल ना होने की वजह से बैंकरप्ट हो गई थी। मस्क ने 2016 में सोलर सिटी को एक्वायर कर लिया था। मस्क का आइडिया था कि टेस्ला ओनर्स अपनी टेस्ला कार्स को चार्ज कर पाएंगे उनके प्रोडक्ट की हेल्प से, जिसके लिए उन्होंने बहुत सस्ते टेस्ला सोलर रूफ्स लॉन्च कर दिए। ये टाइल्स काफी सस्ती थी और इंस्टॉलेशन में भी काफी कम टाइम लेती थी। टेस्ला सोलर रूफ की एनर्जी को हम टेस्ला की पावरफुल बैटरीज के अंदर स्टोर कर सकते हैं और साथ ही टेस्ला कार्स को चार्ज भी कर सकते हैं। इसके अलावा उसको बेचकर हम पैसे भी कमा सकते हैं। सोलर सिटी के प्रोडक्ट्स को घर घर पहुंचाने के लिए और उसके कंपटीशन को बीट करने के लिए मस्क ने 2019 में टेस्ला सोलर सिस्टम को रेंट पर भी देना स्टार्ट कर दिया था। जुलाई 2020 के अंदर टेस्ला ने क्लेम किया था कि टेस्ला सोलर लोएस्ट कॉस्ट सोलर है US के अंदर। मस्क का अगला प्रोजेक्ट है हाइपर लूप। अब तक हम 4 मोड से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जिसमें है कार्स, प्लेन्स, ट्रेन्स और बोट, लेकिन हाइपर लूप के कंसेप्ट से हम 5th मोड को डेवलप कर रहे हैं। हाइपर लूप से राइडर्स एक कॉर्ड लाइक कैप्सूल के अंदर बैठकर लो प्रेशर ट्यूब के अंदर ट्रेवल करेंगे, जो कि मैग्नेटिक लीनियर एक्सेलेटर से चलेगा। इसके अंदर नेग्लिजिबल एयर फ्रिक्शन होगा, जिससे कि हम फ्लाइट्स, जेट्स और इवन बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड पर ट्रेवल कर सकेंगे। 30 माइल्स की डिस्टेंस को हम सिर्फ 2.5 मिनट में कवर अप कर लेंगे, यानी कि 6 घंटे का ट्रेवल सिर्फ 30 मिनट के अंदर पॉसिबल हो जाएगा। वैसे तो SpaceX और टेस्ला की टीम इस कंसेप्ट पर काम कर रही थी, लेकिन इस कंसेप्ट के लिए एक अलग ही लेवल की टेक्नोलॉजी का यूज होगा, जिसके लिए SpaceX और टेस्ला ने इस कंसेप्ट को ओपन सोर्स कर दिया, ताकि इस प्रोजेक्ट पर काफी अलग अलग कंपनियां काम कर सकें, जिससे हम बेहतर टेक्नोलॉजी बना सकें। कई कंपनी इस पर काम भी कर रही हैं, जिसमें से वर्जिन हाइपरलूप ने अभी पिछले महीने टेस्ट राइड भी की थी। अगली कंपनी है मस्क की SpaceX, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अगर अर्थ के बाद कहीं लाइफ पॉसिबल है तो वो प्लेनेट है मार्स। मस्क ने 2002 में SpaceX शुरुआत की थी, मेकिंग ह्यूमैनिटी मल्टी प्लेनेटरी के गोल के साथ। वैसे तो हम इतना बड़ा सोच भी नहीं सकते, लेकिन मस्क की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने सोचा और इसको एग्जीक्यूट किया। एक ऐसा प्राइवेट स्टार्टअप जो कि लोगों को स्पेस में ट्रैवल करवाएगा और उनको मार्स पर ले जाएगा। मस्क काफी आगे का सोच के चलते हैं। मार्स पर सबसे ज्यादा CO2 है और जमीन में नमी है। वहां का टेम्परेचर 30 डिग्री
डिग्री सेल्सियस तक है और 38% ग्रेविटी भी है। लेकिन स्पेसएक्स ये करेगी कैसे, कैसे लोगों को वहां तक पहुंचाएगी? सबसे पहले तो इसकी कॉस्ट बहुत लगेगी क्योंकि रॉकेट एक बार ही यूज हो पाते हैं, पर स्पेसएक्स ने इस टर्म को समझा और इसको रीयूज रॉकेट के साथ बदल दिया। स्पेसएक्स की टेक्नोलॉजी रॉकेट्स को रीयूज करेगी और इसकी सक्सेस स्पेसएक्स को मिल भी गई है। 2020 में ही स्पेसएक्स ने अपना 100 रॉकेट के लॉन्च को सेलिब्रेट किया और साथ ही एक रॉकेट को 6 बार यूज करके ये कमाल दुनिया को कर दिखाया। दूसरा आता है कि हम वहां तक पहुंच तो जाएंगे लेकिन वापस कैसे आएंगे, क्योंकि फ्यूल इतना नहीं होगा कि हम वापस आ सकें, यानी कि हमको रॉकेट्स को रीफिल करना होगा। स्पेसएक्स ने रॉकेट्स को रीफिल करने के कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। तीसरा आता है कि वहां पर फ्यूल आएगा कैसे, स्पेसएक्स को वापस आने के लिए मार्स पर फ्यूल प्रोड्यूस करना होगा। चौथा है, स्पेसएक्स को राइट टाइप का प्रोपेलेंट प्रोड्यूस करना होगा जो कि स्पेसएक्स व्हीकल यूज कर सके। स्पेसएक्स व्हीकल्स मेथलॉक्स को यूज करती है जो कि मीथेन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, यानी कि कंपनी वो सारे फ्यूल्स जो फ्यूल्स वापस आने के लिए चाहिए वो फ्यूल प्रोड्यूस कर पाएगी। स्पेसएक्स का मिशन है कि 2050 तक 1+ मिलियन लोगों को उन्हें मार्स पर पहुंचाना है। आगे देखना होगा कि स्पेसएक्स ये कमाल कैसे कर दिखाता है। अगली कंपनी है उनकी स्टारलिंक। स्टारलिंक स्पेसएक्स की सब्सिडरी है। स्टारलिंक बेसिकली हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है सैटेलाइट की हेल्प से। स्पेसएक्स का मकसद न केवल हाई स्पीड इंटरनेट हर जगह सभी लोगों के पास पहुंचाना है, बल्कि जिन इलाकों में इंटरनेट की सुविधा पहुंचाना मुश्किल है वहां तक लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करवाना है, यानी कि अर्थ के कोने कोने तक स्टारलिंक इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगी। मस्क ने बोला है कि वो 42,000 सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे आने वाले कुछ डिकेड्स के अंदर। अब तक वो 800 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें अक्टूबर में 60 सैटेलाइट लॉन्च भी की थी। यहाँ पर भी वो रॉकेट को रीयूज कर रहे हैं प्राइस को ओवरकम करने के लिए, जो कि एक काफी अच्छी बात है। बीटा टेस्टिंग में उनकी स्पीड 50 Mbps से 150 Mbps रही है। स्पेसएक्स इसको 1 GB/s तक टारगेट करेगी आने वाले टाइम के अंदर। अगली कंपनी उनकी काफी मजेदार है, द बोरिंग कंपनी। मस्क एक बार ट्रैफिक में फंसे हुए थे, उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर ट्वीट लिखा था 2016 के अंदर, ट्रैफिक ने मुझे काफी पागल कर दिया है, मैं टनल बोरिंग मशीन बनाने वाला हूं जिसके लिए मैं खुदाई करना भी शुरू करूंगा। बोरिंग कंपनी बेसिकली जमीन के अंदर टनल्स बनाएगी जिसके अंदर कार्स ट्रेवल करेंगी। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टनल बनाने के लिए वो है उसकी कॉस्ट। इसकी कॉस्ट $100 million से $1 billion पर माइल तक है, जो कि बहुत ही ज्यादा है, पर द बोरिंग कंपनी ने इसको $10 million पर माइल कर दिया है। इस कॉस्ट को घटाने के लिए 2 फैक्टर थे, पहला था साइज और दूसरा था स्पीड। साइज को समझ लेते हैं, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट। जितना बड़ा साइज होगा टनल का उतनी ही ज्यादा उसकी कॉस्ट लगेगी, सीधी सीधी सी बात है। जो पहले से टनल्स बनी हुई हैं, NYC सेकंड एवेन्यू टनल 23.5 फीट चौड़ी है, 1 लेन रोड टनल 28 फीट चौड़ी है और पेरिस के अंदर 2 लेन 86 वेस्ट टनल 38 फीट चौड़ी है। लेकिन द बोरिंग कंपनी ने इसको सिर्फ 14 फीट चौड़ा रखा है, जो कि आधा है अब तक की रोड टनल्स का। सेकंड प्रॉब्लम जो थी वो है स्पीड। बोरिंग कंपनी काफी स्लो थी, 1 माइल्स खोदने के लिए 8 से 12 हफ्ते लग रहे थे, लेकिन मस्क ने कहा है कि वो 1 माइल्स की टनल को 1 हफ्ते में बनाएंगे। TBC ने अपनी एक टनल हाइपरलूप की टेस्टिंग के लिए भी पूरी कर ली है लॉस एंजलिस के अंदर, और लास वेगास के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन है उनकी एक टनल, और आने वाले समय में उनके पास काफी सारे प्रोजेक्ट हैं। देखते हैं कि बोरिंग कंपनी किस तरीके से इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करती है और क्या क्या नया करती है। अगली कंपनी है ओपन AI। मस्क जानते हैं कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सब के लिए काफी डेंजर हो सकता है, मानव जाति को पूरी तरह खत्म कर सकता है। ओपन AI की शुरुआत 2015 में हुई थी। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि AI पर रिसर्च कर रही है, कैसे हम इससे पॉजिटिव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। 2018 में मस्क ने ओपन AI से स्टेप डाउन कर लिया था। उन्होंने बोला था कि उनको अपने बाकी के प्रोजेक्ट टेस्ला और स्पेसएक्स पर ज्यादा फोकस करना है। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने $1 billion इन्वेस्ट किया और अब वो उसके साथ है। अगली कंपनी है उनकी, सबसे अजीब उनका प्रोजेक्ट है न्यूरालिंक। न्यूरालिंक की शुरुआत 2016 में हुई थी। न्यूरालिंक BCI यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बिल्ड करती है, यानी कि वो नैनो चिप बनाएगी जो ब्रेन में लगा दी जाएगी, जिससे हमारा ब्रेन डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा कंप्यूटर के साथ। जिस तरीके से AI का एडवांसमेंट हो रहा है, बढ़ते हुए कंपटीशन लाइक Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल,
फेसबुक। मस्क का मानना है कि एआई मानव जाति के लिए घातक साबित हो सकता है, इसके लिए ह्यूमंस को हमेशा उनसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए वो न्यूरालिंक पर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ काफी दिक्कतें आने वाली हैं। इन चिप्स को लगाने के लिए न्यूरो सर्जरी करनी पड़ेगी। कैसे चिप्स ब्रेन के साथ लिंक करेंगी, वो कंप्यूटर के साथ कैसे कनेक्ट होंगी। हमारे दिमाग में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, लेकिन BCIS सिर्फ कुछ ही न्यूरॉन्स को रिकॉर्ड कर पाएगी एक टाइम में। डिवाइस को पावर कैसे मिलेगी, चिप्स रेडियोज सब हीट प्रोड्यूस करती हैं जिससे हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है, और ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम है जो कि न्यूरोलिंक के सामने है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा न्यूरालिंक इन प्रॉब्लम को कैसे एक एक करके सॉल्व करती है और इस बेहद ही अजीब प्रोजेक्ट को पूरा कर पाती है या नहीं। आई होप इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा मस्क और उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको इसी तरीके की हमारे चैनल पे वीडियोस मिलती रहेंगी।